हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये ईसीआई इटली टी10 का सेकंड मैच इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 23 सितंबर दोपहर में 2:45 से रोमा क्रिकेट ग्राउंड रोमे के वेन्यू पे खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें तो टी10 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम रहने वाली है वो भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये एक बैलेंस विकेट रहती है, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहाँ पे दोस्तों एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे जो टी10 के मैच खेले गए इस वेन्यू में उसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो यहाँ पे 99 का रहा है। गुड फॉर पेस, यानी कि ये विकेट पेसर्स के लिए अच्छी होती है, तो ये सब चीज आप यहाँ पे देख के अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इटली की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स की बात करें तो आपको सब चीज यहीं पे देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मरक्की, इनकी बात करें अपने टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 56 मैच खेल चुके हैं, 1240 रन है, 24 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 199 कराए, 88 ओवर की बॉलिंग कराई है 56 मैच में और 56 विकेट भी है, तो इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग पर आएंगे प्लस बॉलिंग भी आपको लगभग 2 ओवर देने वाले हैं, तो कैप्टनसी के भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। राजमानी सिंह संधू की दोस्तों बात करें, 69 मैच, 1422 रन, 23 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 181 का है, 79 ओवर की बॉलिंग भी कराई है 69 मैच में और 45 विकेट है, तो बॉलिंग उतनी ज्यादा नहीं कराई है, कभी कराते हैं कभी नहीं भी कराते हैं, पर बैटिंग से ठीक ठाक किया है, तो आपको ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। अगर बॉलिंग करा गए तो अच्छी बात है, पर नहीं भी कराई तब भी 23 के एवरेज से रन बनाए और अच्छे खासे इन्होंने रन किए हैं, 6 अभी तक 50 टी10 में लगा चुके हैं और एक इनकी सेंचुरी भी है। आमिर शरीफ की बात करें, अपनी टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 68 मैच में 1434 रन है, 24 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 196 का, 93 ओवर की बॉलिंग है, 68 मैच में 57 विकेट भी है और 750 अभी तक लगा चुके हैं, सेंचुरी अभी तक एक भी नहीं लगाई, तो ओवरऑल अच्छे प्लेयर है। वन डाउन पे आपको लगभग बैटिंग करते हुए देखेंगे और यहाँ पे ये बॉलिंग भी कराते हैं। गगनदीप सिंह दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस सीरीज में, इस सीरीज से जो पहले अभी टी10 सीरीज चल रही है उसमें काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया भी है। ओवरऑल देखेंगे 20 मैच में 470 रन, 26 का एवरेज, 228 का स्ट्राइक रेट, यानी कि काफी तेजी से खेलते हैं और यहाँ पे 33 ओवर की बॉलिंग, 23 विकेट, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। बस इनका बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा ये कहाँ पे बल्लेबाजी करने वाले हैं। उसके अलावा 50 की बात करें तो 250 लगा चुके हैं, एक सेंचुरी भी टी10 में लगा चुके हैं। सिमरनजीत सिंह की दोस्तों बात करें, अपनी टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं पर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, तो इनको आप लोग फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में इनको छोड़कर भी चल सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे 77 मैच में 1155 रन, 29 का एवरेज, 168 का स्ट्राइक रेट है, 4 ओवर की बॉलिंग है, 2 विकेट, तो बॉलिंग ज्यादा नहीं कराते, बॉलिंग से उम्मीद मत करना, पर ओवरऑल बैटिंग से अच्छा एवरेज रखते हैं, 29 का एवरेज है, तो आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इनके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैन अली की बात करें, इनका देखेंगे 22 मैच, 503 रन, 25 का एवरेज, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, 185 का है और यहाँ पे 22 मैच में 32 ओवर की बॉलिंग, 20 विकेट, तो लगभग दोस्तों ये अपने कोटे के लगभग 2 ओवर कराते हैं और अभी रिसेंट में जो 2023 में इन्होंने मैच खेले हैं उसमें अच्छी खासी बॉलिंग कराई है, तो इनको आप लोग पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से भी ये आपको अच्छा करके दे सकते हैं और बॉलिंग भी कराएंगे तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जैन अली का देखेंगे, इन्होंने 350 अभी तक टी10 में लगा चुके हैं, सेंचुरी अभी एक भी नहीं लगाई है, तो आप ये चीज भी यहाँ पे देख के चल सकते हैं। सुजीत की दोस्तों बात करें, अपने टीम की विकेट कीपिंग मेरे हिसाब से यही करने वाले हैं। अगर आप इनका देखेंगे तो ओवरऑल कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, 67 मैच में 229 रन, 13 का एवरेज, तो जीएल की टीम आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। जैन नकवी की बात करें, 57 मैच, 1011 रन, 21 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 212 का रहा है, 57 मैच में 29 ओवर की बॉलिंग कराई है, 18 विकेट, तो बॉलिंग काफी कम कराई है, पर ओवरऑल देखेंगे तो बैटिंग से ठीक ठाक किया हुआ है, 21 के एवरेज से रन किए हैं, तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर ये टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं तो। उसके अलावा जगमीत सिंह की दोस्तों बात करें, 61 मैच, 302 रन, 10 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 118, ओवर 113, 80 विकेट, तो ओवरऑल इनका अगर आप देखेंगे लगभग हर मैच में 2 ओवर कराते हैं और अपने टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 61 मैच में 80 विकेट निकाल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं अच्छे प्लेयर हैं। अली रजा की दोस्तों बात करें,
इनका देखेंगे 39 मैच में 484 रन है, 16 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 185 का है, 39 मैच में 47 ओवर की बॉलिंग है, 30 विकेट। तो ये भी बॉलिंग उतनी ज्यादा नहीं कराते, कभी कराते हैं कभी नहीं कराते हैं, तो इस तरह से ये बॉलिंग कराते, पर इनको आप लोग जीएल की टीम में रोटेट कर सकते हैं अगर ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं तो, फिर स्मॉल लीग के लिए भी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। मधुबा फर्नांडो, ये भी दोस्तों अपने टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं। इनका देखेंगे 10 मैच 215 रन, 35 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 157 और यहाँ पे 10 मैच में 19 ओवर की बॉलिंग, 9 विकेट। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 10 मैच में 19 ओवर कराए हैं, यानी कि अपने कोटे के 2 ओवर ये डालते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, 150 भी लगा चुके हैं T10 में। तो अब दोस्तों इनके अलावा बाकी यहाँ पे बात करें तो निसरमल फर्नांडो मेरे हिसाब से अभी नहीं खेलेंगे, अगर खेल जाते तो अपन को इनका यहाँ पे स्टार्ट देख के चल सकते हैं। इनका देखेंगे 11 मैच में 138 रन, 12 का एवरेज, 3 ओवर की बॉलिंग, 3 विकेट। तो कोई खास इनका है नहीं, अगर खेलते भी हैं तो जीएल की टीम में ही ट्राई करना। बाकी जॉय परेरा का देखेंगे 17 मैच 331 रन, 24 का एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट, 11 ओवर की बॉलिंग, 3 विकेट। तो बॉलिंग इन्होंने भी उतनी ज़्यादा नहीं कराई और बैटिंग से देखेंगे तो हालांकि ठीक ठाक किया है, 150 अभी तक T10 में लगा चुके हैं, तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे प्लेयर है, अभी आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे राजमाल सिंघवाल आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, इनका देखेंगे 87 मैच अभी तक खेल चुके हैं T10 के, 1769 रन से 26 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 217 का है, बॉलिंग सिर्फ 24 ओवर कराए हैं, 17 विकेट है। तो बॉलिंग से उम्मीद आप लोग मत करना क्योंकि बॉलिंग ये काफ़ी कम कराते हैं, बाकी अगर आप लोग बैटिंग से देखेंगे तो अच्छा एवरेज है, 26 का एवरेज है, अच्छे हिटर हैं, ट्राई आप लोग इनको कर सकते हैं। इकबाल हुसैन की बात करें, इनका देखेंगे 56 मैच में 1203 रन से 26 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 214 का है, 56 मैच में 20 ओवर की बॉलिंग, 8 विकेट। तो इन्होंने भी बॉलिंग काफ़ी कम कराई है, पर T10 में देखेंगे 550 लगा चुके हैं अभी तक, एक इनकी सेंचुरी भी है। तो अगर ओपनिंग करते हुए देखेंगे तो कोई खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे, 2023 में जो इन्होंने रिसेंट में मैच खेले उसमें काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी रहा है। करणवीर सिंह की बात करें, 10 मैच में 475 रन, 68 का एवरेज, 226 का स्ट्राइक रेट, ओवर देखेंगे 17 कराए हैं, 7 विकेट है। तो 10 मैच में 17 ओवर कराए हैं, यानी कि 2 ओवर भी कराते हैं, और बैटिंग से क्या बेहतरीन इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, 68 का एवरेज है T10 में, आप समझ सकते हैं क्या बेहतरीन मतलब इन्होंने परफॉर्म किया। अगर देखेंगे तो T10 में 350 भी लगा चुके, 2 इनकी सेंचुरी भी हैं, वो भी सिर्फ 10 मैच में, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि अगर आप इनका सेलेक्शन देखेंगे ना अभी जाके D11 पे, तो काफ़ी कम लोगों ने इनको लिया है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग इनको लेके चल सकते हो। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर में ही करेंगे तो CVC को एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। इमरान आसिफ की बात करें, 51 मैच में 1122 रन, 33 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 173 का, 71 ओवर की बॉलिंग भी कराई है, 36 विकेट है, यानी कि अच्छी खासी बॉलिंग भी कराते हैं, अच्छा खासा बैटिंग से भी एवरेज रखते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 850 अभी तक T10 में लगा चुके हैं। अरसलान आरिफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 58 मैच 503 रन, 12 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 162 का है, तो इनका उतना अच्छा स्टार्ट नहीं है, तो इनको आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हैं। अकीब इकबाल की दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनका इकबाल का देखेंगे 73 मैच में 815 रन है, 25 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट इनका 173 का है, उसके अलावा यहाँ पे 131 ओवर की इन्होंने बॉलिंग कराई है, 50 विकेट है। तो ओवरऑल इनका भी अगर आप देखेंगे तो लगभग अच्छा खासा और लगभग अपने कोटे के 2 ओवर कराते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से पॉइंट देंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बशीर खान की दोस्तों बात करें, 56 मैच 728 रन, 24 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 165 का है, 56 मैच में 77 ओवर की बॉलिंग है, 38 विकेट है। पर दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा स्टार्ट है, पर इस सीजन में जो इन्होंने 2023 में जो मैचेस खेले हैं उसमें इन्होंने काफ़ी कम बॉलिंग कराई है, तो इस वजह से इनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, पर अच्छे प्लेयर हैं। अगर इनकी टीम अगर कम बॉलर के साथ खेलती है, यानी कि सीमित बॉलर के साथ खेलती है, तो फिर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। इनको मिला के अगर इनके टीम के पास 6 ऑप्शन होते हैं तो उस केस में फिर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं, फिर इनको एक आध ओवर भी मिल सकता है और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये हम टॉस के बाद देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों साहिल जदरान की बात करें, 75 मैच में 465 रन है, 13 का एवरेज है,
उसके अलावा 75 मैच में 189 के स्ट्राइक रेट से 465 रन्स किए हैं, 75 मैच में 130 ओवर की बॉलिंग, 48 विकेट। तो ये भी अपने टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, दो ओवर आपको करते हुए दिखने वाले हैं। उमेर तारिक की बात करें, 73 मैच में 485 रन, 21 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 189 का है, 89 ओवर की बॉलिंग, 64 विकेट। तो बॉलिंग भी ठीक ठाक इन्होंने कराई है, और अगर आप इनका ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल भी अच्छा है, 89 ओवर में 64 विकेट भी निकाल चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रहा है। उसके अलावा अब्दुल्ला अकबर जान की दोस्तों बात करें तो ये भी अपने टीम के इंपॉर्टेंट है, 52 मैच में 744 रन, 22 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 182 का रहा है, 89 ओवर की बॉलिंग, 61 विकेट। तो ये भी अपने टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, लगभग दो ओवर कराते हैं, और इनका अगर आप देखेंगे तो 250 भी तक T10 में लगा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे दीदार इनकी बात करें, इतिब्रसा दीदार आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हैं, इनका देखेंगे 64 मैच में 105 ओवर की बॉलिंग, 63 विकेट। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर का स्टार्ट्स अच्छा देखने को मिलेगा, तो वो हम टॉस के बाद देखेंगे यहाँ पे किस प्लेयर को हमको अपनी टीम में लेना है, किसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो वो टॉस के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे सबके स्टार्ट्स देख के यहाँ पे चल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इनके जो मेरे हिसाब से, ये अभी आदिल तारिक और जीशान आरिफ, ये मेरे हिसाब से अभी नहीं खेलेंगे, फिर भी आप लोग यहाँ पे इनके स्टार्ट्स देख के चलना, ताकि इनमें से कोई खेलता है तो वो हमको यहाँ पे आपको पता रहेगा कि किस प्लेयर का कैसा स्टार्ट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे आदिल तारिक का 31 मैच में 105 रन है, 15 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट इनका 119 का रहा है, 31 मैच में सिर्फ 19 ओवर की बॉलिंग, 12 विकेट। तो उतना अच्छा मुझे इनका स्टार्ट्स लगा भी नहीं, अगर खेलते भी हैं तब भी आप लोग इनको GL की टीम में ट्राई कर सकते हैं। जीशान आरिफ का देखेंगे 42 मैच 574 रन, 22 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 188 का, 15 ओवर की बॉलिंग, 7 विकेट। तो इन्होंने भी बॉलिंग काफ़ी कम कराई है, तो खेल जाते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इनको अगर ट्राई करेंगे तो बॉलिंग के इनके चांसेस कम रहेंगे, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चलना। तो ये है, अब दोस्तों हम अब लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो मैंने फिलहाल आप लोगों के लिए बनाई हुई है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, और इस मैच की फाइनल टीम भी आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में नकवी को लिया है, क्योंकि इनका ही स्टार्ट्स अच्छा है इन तीनों में। अगर आप देखेंगे नकवी का यहाँ पे 21 का एवरेज है, उसके अलावा रिला गोदगे इनका देखेंगे तो इनका लगभग 13 का एवरेज है, और आरिफ का 12 का एवरेज है। तो मैंने यहाँ पे नकवी को ही लिया क्योंकि यही बेस्ट रहने वाले हैं, अच्छा स्टार्ट्स रखते हैं, और इन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराई है, तो हो सकता है एक आध ओवर की बॉलिंग भी करा जाए, तो यही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी यहाँ पे एस रिला दोगे और आरिफ, ये मेरे हिसाब से अपनी अपनी टीम की विकेट कीपिंग करने वाले हैं, तो इनको आप लोग GL की टीम में रोटेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आरिफ टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं तो, और यहाँ पे नकवी नीचे आते हैं बैटिंग करने, तो उस केस में हम लोग फिर आरिफ के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मतलब हिटिंग की हुई है। हालांकि ओवरऑल इनका इतना अच्छा स्टार्ट्स नहीं है, पर हिटिंग की हुई है, तो अगर ओपनिंग करने आते हैं या मतलब टॉप ऑर्डर में आते हैं तो फिर हम इनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे नकवी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पे इनको ही लिया। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आसिफ को लिया है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्टार्ट्स है, लगभग आपको दो ओवर भी देते हैं और अच्छा खासा स्टार्ट्स रखते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों सिमरनजीत सिंह, इनकी बात करें अपने टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, फर्स्ट इनिंग में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग करने ये थोड़ा सा नीचे आते हैं पर काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, तो फर्स्ट इनिंग के अंदर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। एंड फर्नांडो का एवरेज रिकॉर्ड है, उतना अच्छा स्टार्ट्स रखते नहीं है, तो इनको स्मॉल लीग में लेना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, तो मैंने नहीं लिया। आप लोग GL की टीम में रोटेट कर सकते हैं। जे परेरा एक ठीक ठाक ऑप्शन है, बैटिंग से ठीक ठाक रिकॉर्ड रखते हैं, अगर खेलते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैंने फिलहाल के लिए नहीं लिया। मैंने यहाँ पे दोस्तों केस सिंह को लिया है, जिनका काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, 10 मैच में 350 और 2 सेंचुरी और 2-2 ओवर की बॉलिंग भी कराई है, तो मस्ट पिक रहने वाले हैं, और CVC के भी एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, तो इनको मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। सेलेक्शन देखेंगे, ओनली 13% है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, आप लोग इनको लेके चल सकते हैं। ए राजा इस्लाम की बात करें, ठीक ठाक स्टार्ट्स रखते हैं, पर बॉलिंग मतलब इन्होंने कराई है, पार्ट टाइम कराई है, कभी कराते हैं कभी नहीं कराते हैं, हालांकि बैटिंग से भी ठीक ठाक इनका स्टार्ट्स है, तो अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो आप लोग इनको ट्राई करके चल सकते हैं। वैसे अभी GL में ही करना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेगा। बाकी यहाँ पे आर सिंघवाल की दोस्तों बात करें, आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, सेलेक्शन ओनली 6%, पर ये भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट्स रखते हैं, T10 में 1700 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको इनका स्टार्ट्स दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राजमल सिंघवाल, इनका देखेंगे 87 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 1769 रन है, 26 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 217 का, 24 ओवर की बॉलिंग, 17 विकेट, काफी बेहतरीन इनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे रहा है। बिल्कुल आप लोग ट्राई करना चाहें तो इनको भी, तो अच्छा स्टार्ट से दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं कराई है, इस वजह से मैंने फिलहाल के लिए इनको पिक नहीं किया क्योंकि इनके अलावा भी हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है तो मुझे और प्लेयर को लेना है तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। हालांकि अच्छे ऑप्शन है, ओपनिंग पर आएंगे, अच्छे हिटर हैं, ट्राई करना चाहें आप इनको स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं। जेड अली की दोस्तों बात करें, अपनी टीम के ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं, लगभग 25 के एवरेज से रन्स भी किए हैं और अच्छी खासी इन्होंने बॉलिंग भी कराई है, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरी टीम में जगह नहीं बन पाई है पर इंपॉर्टेंट है। ताई हुसैन की दोस्तों बात करें, काफ़ी अच्छे हिटर है, T10 में सेंचुरी भी लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छा स्टार्ट्स रखते हैं, आपको ओपनिंग करते हुए ये भी दिखने वाले हैं तो मैंने फिलहाल के लिए इनको लिया क्योंकि इन्होंने जो रिसेंट में भी मैच खेले हैं 2023 में उसमें काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि बॉलिंग इन्होंने भी काफ़ी कम कराई है तो आफ्टर टॉस हो सकता है मैं इनकी जगह किसी अदर प्लेयर के साथ भी चला जाऊं, तो फिलहाल के लिए तो मैंने लिया है पर T10 के मैच में मतलब ऑलराउंडर जो परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहते हैं, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से जो आपको पॉइंट देते हैं वो थोड़े ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहते हैं, तो फिलहाल के लिए तो मैंने इनको लिया पर आफ्टर टॉस मैं देखूंगा, मुझे लगेगा तो मैं इनकी जगह किसी अदर प्लेयर के साथ भी जा सकता हूँ। हालांकि स्टार्ट्स काफ़ी अच्छा है तो मैंने लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मैंने मरग्गे को लिया है, ओपनिंग पर देखेंगे 2 ओवर देने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। बी खान की दोस्तों बात करें, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं पर जो रिसेंट में इन्होंने मैच खेले हैं 2023 में उसमें इन्होंने बॉलिंग काफ़ी कम कराई है तो इस वजह से मैं फिलहाल के लिए इनको नहीं ले रहा हूँ पर आफ्टर टॉस मैं देखूंगा इनकी टीम कितने बॉलर के साथ खेल रही है तो उसको देखते हुए मैं इनको पिक करके भी चल सकता हूँ। ए शरीफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1 डाउन पे आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे प्लस 2 ओवर भी करा सकते हैं, हालांकि कभी 1 ओवर कराते हैं कभी 2 कराते हैं तो करा सकते हैं, सेफ ऑप्शन है, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं। ए इकबाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 ओवर आपको देंगे, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तारिक का एवरेज रिकॉर्ड है, GL की टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने इन 3 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में पिक किया है। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो दोस्तों जी सिंह रिसेंट में अभी T10 भी खेल रहे थे, जो अभी इससे पहले जो सीरीज चल रही थी T10 की उसमें काफ़ी बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। अगर ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं तो CVC भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अभी रिसेंट में सेंचुरी भी T10 में इन्होंने लगाई है। अकबर जान की बात करें, अपने टीम के दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 2 ओवर आपको देते हैं, अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इन्होंने दोस्तों 22 के एवरेज से रन्स भी बनाए और लगभग 2 ओवर कराते हैं तो फिलहाल के लिए तो मैंने नहीं लिया है पर अच्छा स्टार्ट्स रखते हैं, आप लोग ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल इनको भी कर सकते हो। यश जदरान भी अपनी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, थोड़ी बहुत ये भी बल्लेबाजी कर लेते हो, 2 ओवर आपको देने वाले हैं तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मधुप्पा की दोस्तों बात करें, ये भी काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हैं और 2 ओवर ये भी आपको देंगे तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको इस मैच में मिलने वाले हैं पर यहाँ पे हम सबको नहीं ले सकते तो फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया इनको। उसके अलावा जेड आरिफ की दोस्तों बात करें, ये बॉलिंग सेक्शन में दिए हुए हैं पर इन्होंने उतनी ज़्यादा बॉलिंग कराई नहीं है, अगर खेलते भी हैं तो आपको मैं इनका एक बार स्टार्ट्स दिखा देता हूँ फिर हम इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जीशान आरिफ 42 मैच में 574 रन, 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 188 का है, बॉलिंग सिर्फ 15 ओवर कराई है, 7 विकेट है तो ओवरऑल बॉलिंग इन्होंने उतनी ज़्यादा नहीं कराई है, बैटिंग से हालांकि 22 के एवरेज से रन्स किए हैं तो GL की टीम में आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेल जाते हैं तो। इनके अलावा दोस्तों जे सिंह अपने टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 61 मैच में 80 विकेट निकाल चुके हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं तो मैंने इनको लिया है। यू तारिक का सेलेक्शन ओनली 7% है पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छी खासी इन्होंने यहाँ पे हिटिंग भी की हुई है और बॉलिंग भी मेरे हिसाब से 2 ओवर कराने वाले हैं, मैंने इनको भी पिक किया है। आर सिंह का दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टार्ट्स रहा है, ये ओपनिंग भी करते हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रखते हैं और T10 में सेंचुरी भी लगा चुके हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और आपको ये बॉलिंग भी करते हुए देख सकते हैं तो इनका मैं पहले बैटिंग ऑर्डर देखूंगा, उस केस में मैं इनका फिर इनकी मतलब बॉलिंग भी देखूंगा कितने ये इनकी टीम बॉलर के साथ खेल रही है तो उस हिसाब से मैं इनको भी पिक करके चल सकता हूँ। फिलहाल के लिए तो मैंने नहीं लिया है।
सॉरी दोस्तों, तो इनको ना लेने का रीजन सिर्फ यही है कि ये इनके मतलब कभी कभी ओवर कट जाते हैं, कभी कभी बॉलिंग नहीं कराते हैं। हालांकि ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर है और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते, तो एक अच्छे ऑप्शन है, अच्छा खासा स्टार्स रखते हैं, तो इनको भी आप लोग स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया, मैंने यहाँ पे आई दीदार को लिया है, जिनका काफी अच्छा यहाँ पे स्टार्स रहा है, यानी कि काफी अच्छा रिकॉर्ड इनका रहा है बॉलिंग से, तो मैंने यहाँ पे इनको पिक किया। दो ओवर आपको देंगे और विकेट टेकर है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे, तो मैंने इन चार प्लेयर्स को अपनी टीम में लिया है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैंने अपनी कैप्टनसी यहाँ पे मरग्गे को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे के सिंह को किया है, पर आफ्टर टॉस मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ। इनके अलावा जो आपके पास अदर ऑप्शन है, तो इस मैच में आपके पास सीवीसी के काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो इनके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ए शरीफ, ए इकबाल, उसके अलावा जी सिंह और यहाँ पे जी सिंह, तो ये पांच अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। ये इन पांच में से आप लोग जिसको करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि जे सिंह का बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड है, पर सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग है, तो इस वजह से इनको करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये पांच अच्छे ऑप्शन है, इनमें से आप लोग जिसको चाहें सीवीसी कर सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों मैंने यहाँ पे मरग्गे और के सिंह को किया है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो का, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।